सो हेलो गाइस एंड क्या हाल है सभी के। एंड पिछली बार जहां हमने छोड़ा था अमांडा द एडवेंचरर पार्ट 2 को हमने बहुत ज्यादा कंप्लीट कर लिया था, 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो थी, बट अभी भी उसकी सीक्रेट एंडिंग्स और कुछ बाकी की एंडिंग और कुछ बैक स्टोरी वाली टेप्स बची हैं जो हमें देखनी है। तो आ जाओ भाई बैठ के कार्टून वाली गेम शुरू करते हैं और चलते हैं फटाफट से गेम के अंदर। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो मत शुरू कर देना, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंडिंग्स होने वाली है लास्ट में। एंड यहाँ से हम लोग आ चुके हैं दोबारा से उस गेम के अंदर। और तुम लोगों को याद होगा पिछली बार ये दरवाजा टूट गया था और हमें कुछ चीजें भी मिली थी, हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे हमने क्या क्या मिस कर दिया। एक तो हमें ये मिला था जिससे हम टेप्स इकट्ठी कर सकते हैं जो रह गई थी हमें ट्रेन ट्रैक पे, और एक ये चीज भी मिली थी हमें जो खुल बंद होती है और इसके अंदर ये चीज डलती है। तो तुम्हें ये कंप्यूटर के अंदर दिखता है, हाँ डालो। और ये जो नक्शा है हमारे ही इस जगह का नक्शा है, लाइब्रेरी का, जैसे हम लोग आए हैं ना वहीं का है। ये देखो यहाँ से हम आए थे, राइट में 2 वॉशरूम है, लेफ्ट में अभी जहाँ हम है ये वो वाली जगह है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं टेप्स। इसका अभी हमें क्या करना है हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। एक यहाँ पे ये टुकड़ा भी फंसा हुआ है, इसको हमने निकाल लिया, और ये टुकड़े भी हमें मिल चुके हैं 2। तो ये 2 टुकड़ों से तो हम एक सीक्रेट टेप पक्की बात निकाल सकते हैं। और कुछ यहाँ तो मेरे हिसाब से नहीं रहता, तो अब हम लोग चलते हैं टेप्स वाली जगह पे। एंड यहाँ से हम आ चुके हैं वो टेप्स वाली जगह पे। पिछली बार हमें कुछ चीज़ें मिली थी जैसे ये दोबारा से स्पॉन हो गया था रैंडमली ट्रेन ट्रैक, मतलब इससे हमें एक नए स्टेशन पे पहुँचाना है ट्रेन को ऑब्वियसली। और यहाँ पर एक टेप है, तो हम लोग टेप से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने क्या मिस किया। वी कैन फिक्स इट। अच्छा हाँ, ये तो वही वाली टेप है, एक बार फिर से देख लेते हैं। और ये वही क्रीपी ग्लिच टेप है, इसी से शुरू करके हम नेक्स्ट सीक्रेट पर जा सकते हैं। बिल्कुल खराब हो रखी है भाई ये टेप वाली बिल्कुल, और ये चल भी नहीं रही अब। ओह शिट, तुम लोगों को याद नहीं है तो एक बार देख लो, रिवाइंड हो जाएगा तुम्हारे लिए भाई। यहाँ बहुत क्रीपी सीन्स आते हैं जिससे का कोई रिलेशन नहीं है कार्टून से, क्योंकि बच्चों के कार्टून एपिसोड में ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओ भाई ये लोग डस गए भाई लिटरली। और ये बच्चर है, मीट मैन कहते हैं इसको ये लोग, अमांडा इससे डरती है। भाई ये क्रीपी बातें कर रहा है जी, इसको हटाओ स्क्रीन से। और ये फूली का भूत भाई अमांडा को परेशान कर रहा है, बेचारी अमांडा हमारी, हम इतना बुरा भला बोलते थे बट अब मुझे थोड़ी थोड़ी बेचारी लगने लगी है। चलो यहीं पे ख़त्म हो गया और स्क्रीन यहीं पे ग्लिच होके रुक गई है, मतलब फंस चुके हैं हम लोग यहीं पे। ये देखो तुम लोग, हम बाहर नहीं निकाल पा रहे इस टेप को, ये फंस चुकी है टूट के अंदर, ये सिर्फ अंदर जा रही है और ना ये अब चल रही है दोबारा, तो हमें बाकी चीज़ें ही देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे हमारा एक फ्रॉग आया है जो अलाइव है भाई, जिंदा है, और एक चाकू भी है, इसको काट के देखते हैं हम लोग। ओ भाई साहब, इसके अंदर से तो कोई चीज़ निकली है और अपने आप टेप शुरू हो गई भाई साहब, तो मतलब हमें ये क्लू फिक्स करना है अब। हेलो, इसकी आंखें गायब हो रही हैं। ये बिल्कुल ही ग्लिच हो रखी है, इसकी आवाज भी खराब चल रही है क्योंकि टेप टूटी हुई है। ओ माय, बोली को उल्टा क्यों लटका रहे हो? ओ शिट, इसको व्हील ढूंढना है अपने स्केट्स के लिए और इसको सब फिक्स करना है। इसको व्हील चाहिए, व्हील कहाँ से लाऊं मैं? ओए, हम इसको से निकाल सकते हैं, नाइस। ये व्हील नहीं, ये व्हील नहीं, हमें ये व्हील चाहिए। यस, इस टेप को दे दो हमें। हाँ ले आए, हम ले आए, यही व्हील तो डलता है स्केट में, इसको दे के देखते हैं एक बार। ओह लगा दिया हमने, लेट्स गो। ओ माय गॉड, सब ब्रोकन हो रखा है। अब हम चीजें फिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे। ओ शिट, तो मॉन्स्टर है, इसकी मौत कर दी वोली ने। ओ भाई साहब, ओ ये तो पिछले वाले पार्ट में यूज होता है, ये टॉय है, ब्लैक बॉट नाम है इसका। हाँ ब्लैक बॉट हमने ही खराब किया था पानी डाल के। ओ शिट, इसमें सेल नहीं है, हमें सेल लाने हैं मतलब। क्या हुआ? ओ माय गॉड, इसको फिक्स करना है हमें अब। अच्छा करते हैं, इसको हमें पावर देनी है, पावर के लिए हमारे पास यहाँ कुछ है क्या? ओ सेल है और बैटरी है, वहाँ तो सेल लगती है। एक बार हम लोग ये चीज़ दे के देखते हैं, ये क्या चीज़ है, पत्थर, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, नाइस।
पत्थर से सही तो नहीं होगी, बट इसको यही देखते हैं क्या बोलेगी ये पत्थर। ओ ओ माय, ओ ओ मैंने गलत चीज दे दी। गुस्सा में मत आ भाई तू। ओ ये तो गुस्से में आ गई, हमें उसे ये नहीं देना था। अब दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें। दोबारा से इसको क्लिक करते हैं, मे बी दोबारा स्टार्ट हो जाए। हमें व्हील देना था सबसे पहले। हाँ चलो स्टार्ट हो रही है अब दोबारा से। इसको करो स्किप। अब हमें थोड़ी सी इसे बैटरी देनी है, बैटरी नहीं सेल देनी है, क्योंकि उसमें सेल डलते हैं। अभी अभी दिखाया था उसने। इसको उठाओ बाहर लेके चलो, नाइस। और ये लो इसको दे दो सेल। यस सेल आ गया। अब मे बी ये सही कर देगी। ये फिक्स हो गया हम लोगों का। तेरे ब्रोक द मोल्ड व्हेन मेड यू। ये कुछ अमांडा के बारे में बताना चाह रहा था। ओह शिट, कि दोबारा तोड़ना चाहती है ब्लब बॉट को। सही करवाया ये क्यों, ये वोली छुपाना चाहता है इसमें से चीजों को। वो बार बार बोल रहा है कि इसमें से मत लो, सही मत करो, सही मत करो। कुछ छुपा हुआ है भाई इसमें। ओ ये तो वही है। ओ शिट, ये फिर परेशान करेगा मॉन्स्टर हमारा। ओ बड़े चूहे बग जा। ओ शिट, हेल्प चाहिए इसको। लो लो भाई बोली की हेल्प कर देते हैं हम। अरे ओ उस सिर में क्या ऑपरेशन कर रहा है तू, भाग यहां से। ओ ओ ये क्या उड़ रहे हैं चीजें, मैं क्लिक नहीं कर पा रहा यहां पर। शिट, ओ ओ ओ ओ माय गॉड, बचा लिया शायद हमने, भाग गया। बोली गुस्से में है और अमांडा खुश है। ओह शिट, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है भाई जब देखो। किसको बोल रहा है भाई, ये कार्टून में है तू। ओ बैठ के भी गिरे जा रहा है ये तो। ओ शिट, इसके लिए तो हमें कील चाहिए, बट कील तो हमारे पास है ही नहीं। कील इसके अंदर कोई कील थी क्या? ओ कील आ गई, अच्छा पहले तो नहीं थी। इस कील को लेके चलो भाई उधर, नाइस। ये कील दे दो भाई इन लोगों को। इसके लिए वहाँ पे एक वो भी है स्क्रू, मतलब टाइट करने के लिए कील लगा दी, नाइस। ओ आज का काम खत्म हो गया। ओ इसकी आवाज को क्या हुआ? ये क्या है? अब बटरफ्लाई को कैसे सही करेंगे हम लोग? ओ तो ये बताना चाह रही है लिविंग थिंग को हम सही नहीं कर पा रहे। तो ये हिंट देना चाह रही है कि कोई मर चुका है और उसको हम सही नहीं कर पाएंगे। ओ शिट, बटरफ्लाई को सही करने के लिए हमारे पास क्या है? बटरफ्लाई का विंग है यार, हम बटरफ्लाई का विंग दे सकते हैं। ये अपने आप चीजें अपडेट हो रही हैं। नाइस भाई, इसमें डाल के देखो इसको, शायद सही हो जाए। ओ विंग जुड़ गया। ओ भाई सब, ये तो भगवान निकले भाई। ये अमांडा अपनी सैड स्टोरी सुनाने लगती है इस बीच में। हाँ कोई ऐसे थोड़ी सही कर सकता है बटरफ्लाई को। ओ शिट, अमांडा का हार्ट खराब हो गया बेचारी, सैड लग रही यार इतनी पहली बार में। अब अमांडा का हार्ट कैसे सही करूं मैं? हार्ट के लिए यहाँ पे थोड़ी कुछ होगा। हाँ हार्ट, ओ माय गॉड, हम लोग रॉक का हार्ट निकाल सकते हैं बाहर? हमने सारे अंजर पंजर बाहर निकाल दिए। अबे हार्ट से थोड़ी सही हो जाएगी अमांडा, अबे हार्ट लगाने से हार्ट थोड़ी सही हो जाता है। ऑब्वियसली उसका दिल टूट गया, बेचारी का ब्रेकअप हो गया होगा। तुम लोग भाई उसको हार्ट दे रहे हो, वो बोल रही थैंक्स फॉर ट्राइंग, मतलब ऑब्वियसली सही नहीं हो सकता ऐसे हार्ट भाई, ये कौन सा तरीका है हार्ट सही करने का। ओ शिट, लाइब्रेरी के बाहर कोई है हमें मारने वाले। ओ आवाज आ रही है भाई, वो रेड वाली जो दोस्त थी ना हमारी हुडी में। ओ शिट, वो बोल रही है कि बाहर कोई है, चिंता मत करो मैं आ रही हूँ। हम भाग नहीं सकते क्या यहाँ से? निकलने का ट्राई करूँ मैं? ओ माय गॉड, बंद पड़ा है यहाँ पर तो सब कुछ, और बाहर ये कुछ निशान दिख रहे हैं मेरे को भाई, कुछ क्रीपी से। यहाँ से हट जाओ भाई, यहाँ से निकलो। और यहाँ पे एक टेप आई है, ये कौन सी टेप आई है? बैंडेज लगा के डू यू फील सेफ?
ओ माय गॉड, ये कार्टून देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा, और बाहर भी कोई वेटिंग में है। इसको लगाओ। हेलो हेलो बुली, दिल्ली भाई, दिल्ली में छोले भटूरे और गाली गालियां नहीं, सॉरी सॉरी, कुछ नहीं। ये इसका नेबरहुड सेफ है, बट वोली वोली को लगता है सेफ है, बट अमांडा को नहीं लगता कि सेफ है। ओ शिट, एकदम से रात हो गई। हाँ मैं तो सेफ ही हूँ जहाँ रहता हूँ, तू अपना बता भाई, यहाँ कोई सीक्रेट है, हमें बाद में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अभी यस लिखते हैं। बोल रहे तुम एक्चुअली में सेफ नहीं हो, बोल रहे तुम सेफ लग रहे हो फिर भी सेफ नहीं हो शायद तुम। बरामद। ओह शिट। अमांडा, शुड वी रियली बी टॉकिंग अबाउट दिस? एंड दैट मेक्स इट हार्ड टू फील सेफ। इसको सेफ नहीं लगता बिल्कुल भी। वी डोंट फील सेफ, वी कैन मेक बिग मिस्टेक। क्या मिस्टेक करी तूने? बताना अपने बारे में, मेरे को जानना है। प्लीज गो होम। नो, चुप हो जा बोलिए। यू रादर बी वेयर इट्स वार्म एंड सेफ। मुझे अमांडा के बारे में जानना है यार, क्या हुआ था? रियली थिंक अबाउट हु यू कैन ट्रस्ट। Who is someone you trust? अपनी मम्मी, obviously. वूली लिख के देखते हैं, हम वूली को भी ट्रस्ट करते हैं। I felt that way a long time ago too. There are lots of people I used to trust. ये बोल रही है कि मैं भी पहले वूली को ट्रस्ट करती थी, बट अब नहीं करती। वूली ने ऐसा थोड़ी कुछ किया है। You shouldn't go in there. Oh shit, कुछ वूली ने गड़बड़ करी है क्या? Oh my god, हमें इसके बारे में कुछ पता चला है भाई, सीक्रेट। बोलती पहले मुझे वूली के साथ सेफ लगता था, बट अब नहीं लगता। ये वूली के इससे क्या दिक्कत है इसको अब? Really scary back here, और अमांडा और ज्यादा ना डिप्रेस होती जा रही है। क्यों जाना है तेरा? अच्छा, क्यों जाना है? Dangerous, Amanda. There are other ways to learn about yourself. Like by having adventures with your friends. What's something that scares you? Amanda, मुझे तो Amanda से डर लगता है। Amanda. Even after all this time together? Oh, बेचारी sad हो गई। बोल रही Amanda, मेरे से क्यों डर लगता है तुम्हें? Strangers are really scary. Oh. But I don't feel that way. तो ये बोल रही है कि हम scary नहीं लगते तुम्हें। Amanda. You know, you were a stranger when I met you. हाँ, हम लोग strangers थे तो। To be safe. You should never talk to strangers. हाँ, तब से बात कर रही है वो। ओ शिट। उसका फोन आया है। ओ मैं पॉज नहीं कर पा रहा। कांट यूज, नो यूज। ओ माय गॉड। बाहर कोई आया। ये मैं एपिसोड पॉज नहीं कर पा रहा। ये बोल रही है कि अब तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं शायद मैं एस्केप भी नहीं कर पा रहा। टाइम्स अप लिखा हुआ आ रहा है इधर। मेरे पीछे जंप स्केयर है ना, मेरे पीछे जंप स्केयर है ना, मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा जंप स्केयर आएगा ना। ओह नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब सही है, सब सही है। ये टेप भी बाहर आ गई, बाहर देख के आते कोई आया या नहीं आया। और हम एग्जिट भी नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब यहाँ से। ओह ये रेड फिगर है, क्या हुआ भाई, कुछ पता चला तेरे को? हाँ, उसी ने तो दरवाजा तोड़ा था, वो अमांडा की भूत ने। हाँ हम तो सही हैं। I'll go grab what I can from the library and then we've really got to get out of here. बोल रही है मैं यहाँ से भागने की जरूरत है टेप्स लेके। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे तू बोले। टेप्स उठा लेते हैं हम लोग सारी। हाँ जी मैडम, क्या हाल चाल, क्या इकट्ठे कर रहे हो आप यहाँ से? आप सामान उठा रहे हो, ठीक है, उठाओ उठाओ। बट मुझे लग रहा है हमें जाने से पहले ये लास्ट पजल भी सॉल्व करनी पड़ेगी। एक बार टेप लेते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं। इस टेप को डालो यहाँ पर और देखते हैं हमने कुछ मिस तो नहीं करा सीक्रेट। तो अब ये पूछ रहे किसको ट्रस्ट करते हो तुम? अब हमें नॉर्मल आंसर देंगे तो हमें एंडिंग नहीं मिलेगी। हमें यहाँ लिखना है केट, जो मर चुकी है। यहाँ पे पॉज करो भाई, तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे वो मैप आ रहा है जो पीछे पड़ा हुआ था? रुको मैं लेके आता हूँ। अब इस मैप को हम लेके चलते हैं वहां पर। ये देखो, ये सेम मैप है जो राइट साइड में है, इसको यहाँ लगाते हैं। ओ ये तो इस पे कुछ प्रिंट होने जैसी आवाज आई। ओ ओ भाई शॉक, ये क्या हुआ, नीचे गिर गया ये। रुक, इस पे धब्बे लग गए। अब इसको हम लोग उस वाली मशीन में डालते हैं जो पहले काम नहीं कर रही थी, मे बी अब काम कर जाए। इसको डालो इस मशीन के अंदर। और ये क्या है, यहाँ पर कुछ
सिंबल बना हुआ है, यहाँ दो चीजें बनी है, और यहाँ 000 क्रॉस, मतलब यहाँ कोई ट्रेजर है। ओ, ये क्रॉस शायद ट्रेजर का नहीं है, ये जीरो काटा का क्रॉस है। हम लोगों ने ये कंप्लीट नहीं करा अभी, हमें ये और जगह लगाने पड़ेगा। ये अभी टेप खत्म नहीं हुई, मुझे लगा यहाँ खत्म हो गई, रुको मैं दोबारा लगाता हूँ। ओ देखो, हम लोगों ने नो लिखा तो एक बार दोबारा आया। अब यहाँ पर हम दोबारा डालते हैं, एक बर्न मार्क और बन गया यहाँ पर, आवाज आई यहाँ पे प्रिंट होने कुछ की। ओ भाई, नाइस। अब इसको पॉज करो, हाँ अब दो हो गए। अब हमें एक बार ही और ढूंढना पड़ेगा इसके बीच में। ओ, एक बार और आया यहाँ पर, हमने पहले यहाँ पॉज नहीं किया था। एक बार यहाँ भी पॉज करते हैं, मेरे हिसाब से थर्ड बार भी प्रिंट हो गया ये। लेट्स गो, तीन बार प्रिंट करना था और तीनों बार प्रिंट हो चुका है। अब इसको लेकर जाते हैं वहां पर, अब इसको डालते हैं इसके अंदर, और कंप्लीट हो गई हमारी पजल। यहां पर जीरो काटा का पूरा कोड मिल चुका है, चाबी यहां पर है, 1+2=MDMD और 1LM2WH, ये भी सॉल्व करना है। पहले हम ये इजी वाला सॉल्व कर लेते हैं, यहां क्लाउन, यहां वॉचमैन और यहां स्नोमैन, ठीक है। यहां पर हमें लगाना है क्लाउन, ये रहा क्लाउन, यहाँ वॉचमैन और यहाँ स्नोमैन जैसे दिखने वाला, वो कौन है भाई? ये। लेट्स गो, ये पजल सॉल्व हो गई, आवाज़ आई। इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, ठीक है, आवाज़ आ गई। इसको लगाना है यहाँ और ये वाला जाएगा यहाँ। लेट्स गो, ये भी कंप्लीटेड। अब लास्ट ये, इस अंडे को डालना है नीचे, और ये भी कंप्लीटेड। लेट्स गो, ओ हमें चाबी मिली सब कंप्लीट करने पे, तो हमें चाबी कलेक्ट करनी है। इस चाबी को हम रखते हैं यहीं साइड में, और ये यहाँ पर भी एक चाबी है आईज के नीचे। आईज किधर है? यहाँ लिखा है कीप योर आई पील्ड, और इसको क्लिक करने पे ये हट जाएगा, और ये सेकंड चाबी भी हमें मिल गई। तो आई के पोस्टर के नीचे थी सेकंड चाबी। इस चाबी को भी रखो यहीं पे। अब हमें ये कुछ पजल सॉल्व करनी है जिसके बारे में समझ नहीं आ रहा, तो पहले यही दो कीज को डाल के देखते हैं कहाँ लग रही है। मेरे हिसाब से मैंने एक जगह यहाँ देखी थी, ओह यहाँ लग रही है ये की। लेट्स गो, क्या दोगे क्या दोगे? कुछ नहीं खुला यहाँ तो। अरे ये क्या बात हुई, कुछ दिया ही नहीं इन्होंने तो हमें। हाँ ये खुला है, एक और की लगेगी यहाँ, और दूसरी की तो हमारे पास है ये रही। लेट्स गो, अब दे दो, अब दे दो, अब दे दो, कुछ दो फटाफट फटाफट। नाइस, हाँ कुछ नहीं दिया। ओ इधर एक की और डालनी है हमें, थर्ड की। कितनी मेहनत करवा रहे हो हमें ये ड्रॉर खोलने में। और ये थर्ड की के लिए हमें ये वाली पजल सॉल्व करनी है, LM और WH स्कैनर, स्कैनर वाला जो यहाँ पे एक वो नहीं था, व्रिम, यस ये बुक व्रिम। हमें बुक्स लेकर आनी है दो, एक लानी है LM और एक लानी है WH। सारी बुक्स को हम लोग पहले स्कैन कर लेते हैं, जो जो इधर उधर पड़ी हैं। यहाँ एक बुक पड़ी है, इसको उठाओ, इसको करो स्कैन। यहाँ कोई है क्या LM या WH? ओ WH ही रहा, विल हिल, ये WH से नेम शुरू हो रहा है, इसका पासवर्ड है 303। अब बस हमें LM चाहिए किसी में स्कैन करने पे। इस पे LM नहीं है, इस पे LM नहीं है, इस पे LM नहीं है, इस पे है। ओ लिंडा मॉन्सन, लेट्स गो, मिल गया, LM मिल गया, और इस पे 1 लिखा था, इस पे 2 लिखा था, नाइस। LM की है 103। हमें पासवर्ड तो मिल गया, मेरे हिसाब से यहाँ डलेगा, और पासवर्ड होना चाहिए 3, 1, 8 and 3। भाई इतना मुश्किल क्यों बनाया, यही है क्या भाई? यही था। लेट्स गो 200 IQ गेम प्ले, और हमने ये थर्ड वाली भी डाल ली। थर्ड वाली की जो इतनी मुश्किल से मिली है वो डलेगी यहाँ पे। लेट्स गो, ओ भाई सीक्रेट कंपार्टमेंट खुला, और बाहर भी कुछ खुलने की आवाज आई, ये क्या है हमें? ओ माय, इतनी हाईटेक लाइब्रेरी थी। अब हमें यहाँ से भागना है, बस इसने टेप से इकट्ठी कर ली इतनी सारी जो हमने देखी थी, सब की सब टेप ले आई है ये तोड़ने। ओ भाई इसके अंदर से कुछ निकला है, ये वही अमांडा के भूत का सोल है मे बी। ओ माय गॉड, एक और नहीं तोड़ भाई। ओ शिट, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मारना, रुक इसकी हेल्प करते हैं हम, रुको। ओ भाई भागना पड़ेगा हमें, नहीं हेल्प करनी थी, ये क्या मूवी का सीन बना रखा है बॉलीवुड का। ओ ओ मर गई, शिट, भागो 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 भागो,
सीक्रेट कंपार्टमेंट, ये मे बी सेफ एरिया है। चलो चलो चलो, लेट्स गो, यहाँ शायद फिनिश हो सकती है हमारी गेम। भागते हैं। डाउन द हैच, बीट द गेम, यहीं खत्म हो गई भाई गेम हमारी। अब हम लोगों ने एक बार दोबारा से गेम स्टार्ट कर लिया गेम खत्म होने के बाद। अब जो सीक्रेट टिप्स हमारी रहती थी और सीक्रेट आंसर्स रहते थे, हम लोग अब वो ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ें उठाओ एक्स्ट्रा जो यहाँ पर ट्रेन के पास थे, क्योंकि ट्रेन का एक रास्ता बनाएंगे तो हमें 100% एक टिप मिलेगी, उसको कंप्लीट करते हैं। इसको रखो यहाँ पे। दूसरा टुकड़ा है ये एक्वेरियम में, इसको भी लेकर चलो। इसको भी रखो यहाँ पे और अब नया रास्ता कंप्लीट करो। और ट्रेन स्टेशन हम पिछली बार हमने यहाँ खत्म किया था, इस बार हम यहाँ खत्म करेंगे। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पार्ट्स मिल गए हैं। अब मैंने ये पजल तो सॉल्व करने ही वाला था, बट मुझे अब पता चला इसमें एक पीस और मिसिंग है। अगर हमें ये पजल कंप्लीट करनी है तो यहाँ पर एक ब्लॉक और चाहिए, और मैंने पूरी जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मुझे याद आया मेरे पास एक हैमर था और हमने हैमर का यूज नहीं किया दोबारा से। हमें इस पिगी को तोड़ना पड़ेगा बेचारे को। और हमें लास्ट पीस ऑफ पजल भी मिल चुका है जो मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था भाई, बहुत परेशान किया है इसने। इसको बस यहाँ लगाना है और अब बस लास्ट टाइम को ट्रेन को चलाना है और हमें मिल जानी चाहिए। छुक छुक गाड़ी, लेट्स गो। ये फर्स्ट स्टेशन पेरिस कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टेशन चलो। मेक्सिको सिटी कंप्लीटेड एंड लंडन भी कंप्लीटेड, नाइस। और अब ये जा रही है सीक्रेट वाले ट्रेन स्टेशन पे। लेट्स गो, हमें फर्स्ट सीक्रेट टेप ऑरेंज कलर की मिल चुकी है, तो अब इसको डाल के देखते हैं और देखते हैं क्या स्टोरी है। Holy hell, how long have you been cataloging these? Since I caught a sigil. ये केट है जो मर चुकी है, जिसका घर मिला था हमें। Let's play pirates episode. If I'd have blinked, I'd have missed it. But here's the thing, there wasn't a single reference until the acquisition. This is the complete log of all the references I can make out, and most of them are subtle, but they're there, and lots of them. And usually paired with a message encouraging kids to ignore their parents or do something harmful. ये बता रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा था एपिसोड्स में बाद में बुरा। Overtly dangerous, not in the context, and it's always under the guise of a new adventure. And you know this kid was also watching the show at the time of his disappearance. और ये बच्चे भी भाई गायब हो गए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गायब हो गए थे हमारे देखते हुए। Not even footprints, trail and all. No, nothing. Like he just vanished. That was over 8 months ago. और ये कोई footsteps भी नहीं आए, कोई clue भी नहीं मिला। मेरे को लग रहा है ये टीवी के अंदर जा रहे हैं बच्चे। भाई shit, हम भी कार्टून देख रहे हैं। हमें मत लेके जाइए अमांडा। We can't say anything. It's a kid's show, for Christ's sake. We'd sound insane. But it's not. These are not good lessons. Every episode has some very harmful instructions, and there's a thread of content that runs across all of it. References to Belial, to Mara, to Iblis. Every world religion has a figure that tempts and manipulates and deceives. According to Kate's log, in the last 20 weeks of this kid's show, there have been over 40 mentions of these entities. It's alarming. तो ये लोग बुरी चीजें सिखा रहे थे। अमांडा भाई बात तो नहीं कर रही थी बिल्कुल भी किड शो की तरह। If you two are comfortable, this is really his area of expertise. Okay, let's get him to review the episodes that you've already recorded. I will cut the meeting recording. यहीं पर मीटिंग कौन रोकता है? यार कुछ दिखाते तो सही, मसाला तो दिखाते, करने क्या जा रहे हो? Oh, continue हो रहा है। Flushed? I can't even imagine. They provided two original tapes of the show, and they say there are more. Over the next few nights, I'm going to start combing those for more coded language. The puzzles, the anagrams, they seem to connect it to the cult. And based on what we have, I'm convinced that this is the latest iteration. ये लोग कोई कल्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे अमांडा की वजह से। The information we already have about the group ties it back to a religion that hasn't been practiced publicly in damn near. कोई रिलीजन के बारे में बात हो रही थी और कट हो गई। Production company has been around since the Middle Ages. Is that what we're saying? Either that, or they were. ये बीच बीच में कट हो रही है भाई। Why her specifically and why here? I wish we could get our hands on that contract. I think it would be. फिर कट हो रहा है। We don't even have any conclusive evidence that would suggest. ये सीन ही चेंज हो गया। She's in there, P.
Peter. I know she is. Whatever information Kate is getting is fragmented at best, and that's if it is actually Rebecca. It has to be. So no, Caroline, we don't. ये लोग बात कर रहे हैं जिसके ऊपर ये कार्टून एपिसोड बना था रेबेका, वो शायद कार्टून के अंदर ही हो सकती है फंसी हुई. I'm sorry, are you in charge here? So what's the plan then, Peter? We just keep meeting and talking? What's our goal exactly? Look, I want to try too, Caroline, but we have to proceed with caution. We don't even know what state she's in, or if we could even get to her. It's been almost 15 years. She might not even want out at this point. You don't know that. You don't either. Bottom line is, it's not safe. I mean, are we going to talk about David, or are we just going to pretend he's not waiting around? If they're coming for me, they're coming for me. She's made contact with Kate. But we don't even Rebecca know ने कांटेक्ट किया था केट से, मतलब कार्टून एपिसोड्स के थ्रू. ये क्या सेंट रिसर्जर कुछ लिखा हुआ है सीक्रेट कोड नीचे से अजीब सा. ये क्या न्यूक्लियर बम के पासवर्ड दे रहे हो हमें? We should be lying low, not diving in. You know what? This meeting's over. We're gonna take a break and we're all just gonna come back when we can. शायद से टेप खत्म हो गई है. Yes. इसी के साथ साथ फर्स्ट टेप तो खत्म हो गई, इसको रखो साइड में अभी, और अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टेप ढूंढने. वो मेरे को पता चला था एक पोस्टर के थ्रू मिलेगी हमें. यहाँ हमें पोस्टर ढूंढ रहा है. ओ लेट्स गो, यहाँ लिखा है इन हेयर और यहाँ एक QR है, और QR को हम लोग स्कैन करते हैं स्कैनर के साथ में, और स्कैनर हमारे पास है ये बुक फ्रेम के पास. इसको क्लिक करो, लेट्स गो. यहाँ पे कुछ आया मिस्टर मैल प्रैक्टिस, और यहाँ पर लिखा है क्लिक मी. भाई क्लिक नहीं करना चाहिए ऐसे लिंक्स पे जहाँ क्लिक मी लिखा हो, बट यहाँ हम कर सकते हैं क्योंकि ये गेम है, तो मत करना ऐसे. ओ ओ, 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 ओ ये कौन सा गाना गा रहा है ओए? ओ एरर अननोन. हमें कुछ मिला, ट्रू लाइब्रेरियन, लेट्स गो. हमें मिल गई एक सियान कलर की, एक नई सीक्रेट है. अब इसको डाल के देखते हैं क्या स्टोरी चल रही है भाई अमांडा की. ओए अमांडा के पापा हैं शायद. इनको कुछ फोर्स करा जा रहा है, स्क्रिप्ट दी जा रही है. If I do this, you'll let me see her? हाँ ये सैम है. We'll have to get clearance for that. But let's just say doing this will improve your chances. इसको फंसा रखा है भाई. You just can't keep me in here. I don't know what you're trying to achieve, but people are going to be looking. Okay, I'm all set. We can go ahead with your statement now. भाई इसको फंसा लिया, मुझे लग रहा है किडनैप करके ले गए हैं इसको. Rebecca. Amanda. Amanda से बात करने की कोशिश हो रही है. I am so proud of you. And I know that our friends are taking care of you while I'm away. You can. इसको फोर्स किया जा रहा है भाई. She can trust you. You've got me locked up in here and you want me to act like everything is okay? This is kidnapping. It's coercion. Just say what's on the paper is. This is kidnapping. It's coercion. If you wish, one of my associates will gladly provide you with a copy of your signed contract. You agreed to this. I did not agree to lie to my daughter. Operation South Corridor. Go ahead. This is going to take some time. I guess Rickolton isn't exactly cooperative today, but I got something. I'll bring over the tape for editing. And you've recorded all proceedings? Still running. Can you send someone down to the lockup protocol? Copy that. इसको किडनैप कर लिया और इसको फोर्स कर रहे हैं ट्रस्ट करने को, अमांडा को बोलने के लिए. Alpha Tango Alpha. और ये क्या सीक्रेट एजेंट्स की टीम बना रखी है कार्टून के लिए? भाई बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है, और उन्हें पता था कि कार्टून के अंदर कुछ भूत टाइप की चीज़ें हैं, तभी फंसाना चाह रहे थे. Let's go. Second tape भी यहीं ख़त्म हो गई, इसको भी रखो साइड में. थर्ड टेप ढूंढने चलते हैं. थर्ड टेप के लिए हमें बस ये बॉक्स को सॉल्व करना पड़ेगा एक और तरीके से. अब बस हमें इस क्लाउन को स्कर्ट पहनानी है, इसको जींस पहनानी है, और इसको व्हाइट कलर की वाली पजल सॉल्व. यहाँ डालना है सन, यहाँ रखना है फ्लावर इसके लिए, और यहाँ मून. ये वाली पजल भी सॉल्व, इसको डालना है यहाँ, और ये पजल भी सॉल्व, और हमें यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और यहाँ जीरो डालना है. लेट्स गो. ओ वहाँ से मिली हमें ये क्या मिला है?
ओह अच्छा, तो ये खुला और यहाँ पे हमें टेप मिली है रेड कलर की, इसको भी डालो थर्ड टेप। ये वही है सैम जो उसका पापा है। Imagining she was still in Wonderland. But she knew that if she opened her eyes, everything would go back to normal. The instrument she heard would become grass blowing in the wind. Rings of smoke from the caterpillar. ये लाइब्रेरी का ही वही तो नहीं है जहां हम बैठे हुए हैं? हो सकती है भाई। The noise of teacups would turn into the sound of bells on sheep, and the queen's loud voice would become a boy calling for the sheep. All the strange sounds she heard would just be animals in the meadow. ये स्टोरी रेबेका या अमांडा से रिलेटेड है क्या? या कोई रैंडम स्टोरी है? ना, ये भी बोली की तरह बोरिंग स्टोरी सुना रहा था ना। ये क्लैप कर दो। You all may know a friend of Mr. Colton's. You can watch her on her very own hometown hit show on Kinsale's public access channel. Do you know what show that is? ये अमांडा के बारे में बात हो रही है। Obviously. That's right, my friends. Now, parents, on your way out today, please consider donating to the library's renovation funds. We can have even more great programming like we did today. जहाँ पर हम बैठे हैं अभी। The major goal of the renovation is to create a special place for your little ones to read and dream. In the very own kids' corner. हम लोग kids' corner में ही बैठे हैं अभी। With a state-of-the-art activity center and expanded selection for early readers. Now, remember, we can't do it without your support. That new kids' donation मांग रहे, चंदा दे दो इनको बस। Where your kids will be able to feed their imagination and fuel their own adventures. That's I can't right. wait to see such a special place come to life. Thank you again, Mr. Colton, and I look forward to seeing every one of you back here Thursday for a special production of The Very Silly Groundhog by our friends at Blue Fairy Puppet Theater. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Hey, thanks for filming again for the archive. Daddy, did you turn off the camera? No, I'm about to. And I'll catch you later. Good to see you. Expect to see you at story time. Okay. ये पीछे कुछ बात हो रही है सीक्रेट, इनसे मुझे जानना है क्या हो रहा है। इन बच्चों को छोड़ो। I love it. You're my favorite jumper. You have a minute? Look at that. Oh, चला गया वो यार। उसके बारे में हमें जानना था, वही बंदा था शायद जो कार्टून के बारे में बात करने आया था। हम लोगों ने थर्ड भी देख ली और इसके साथ साथ हमारी सिर्फ अब एक सीक्रेट टेप बची है, फिर सीक्रेट एंडिंग पे जाएंगे हम। एंड लास्ट टेप देखने के लिए हमें गेम रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं किसी और की देख लूं और लास्ट टेप भी कंप्लीट कर लूं। तो शाउट आउट भाई कारप्ले को जिसने ग्रीन वाली टेप भी ढूंढ ली, और हम वो वाली टेप भी देख लेते हैं लास्ट टेप जो अब है। यहाँ पर शायद से अमांडा को इन्होंने हॉस्पिटल में कैद कर रखा है। मे बी ये अमांडा मतलब रेबेका ही होगी मेरे हिसाब से, इसका मुंह नहीं दिख रहा बट कोई भी हो सकता है। शिट, डेंजरस भाई, डेंजरस साइन लिखे हुए, बच्चे ही लग रही है मेरे को। और ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है जो सब कुछ? हर कंडीशन इज स्टेबल, मतलब रेबेका की ही बात हो रही है। एंड अब बारी है लास्ट सीक्रेट एंडिंग्स की, और इसके बाद सारी खत्म। हम लोगों को बस यहाँ पर बटन नहीं दबाना, यहाँ पर एक सीक्रेट टेप डालनी है। हम लोगों को बस ये टेप लेकर आनी थी और ये टेप को इसके अंदर डालना है। ये एक सीक्रेट टेप है, इससे कोई हमें सीक्रेट चीज पता चलेगी। केट जो मर चुकी है उसके बारे में बात हो रही है, वो कर रही है हमसे बात। हमें वो बचाना चाहती थी। ओ शिट, हमने बट सारी टिप्स ऑलरेडी देख ली हैं। ओ शिट, गाड़ी ठोकने वाली थी इसको भाई लिटरली। जिन जिन लोगों ने ट्राई करा टिप्स के बारे में जानने के लिए वो मर चुके हैं। और इसके बाद हमें पता है केट भी मर गई थी।
तो जो फर्स्ट पार्ट में लेटर लिखा था केट ने, वो बोल रहे हैं उसके बारे में विश्वास मत करो। ये बेचारी इतनी परेशान। ये हमें बचाना चाह रही है। ओह शिट, कार क्रैश हुआ और केट मर चुकी है। रेड फिगर, ओह शिट, पिछली बार तो ये मर गई थी, अब देखते हैं क्या बोलेगी। इसकी वजह से केट मरी है। ओह मास्क, इसका ब्रदर भी डिसअपीयर हो गया था, तो इसने केट की हेल्प मांगी थी ढूंढने के लिए। They told me he was trapped and that the only way to free him was to smash the tapes. And I believed them. उसको लगा टेप्स तोड़ने से सही हो जाएगा। I thought I was doing the right thing. The night she died, I went to your aunt's house. She'd been working so hard to find the truth, but all I wanted was to get Jordan back. I screamed at Kate to give me the tapes, and then that creature. ओह, इसने अपना मुंह दिखाया। It was horrible. ये है कौन? I pushed Kate out of there, begged her to run. उस मॉन्स्टर ने केट को भी मार डाला। इसने पहली बार अपनी शक्ल दिखाई है। बे हाँ हाँ, तो टेप्स को ही प्रोटेक्ट कर रहा था वो तब से। उन्होंने घर भी जला दिया। I know it. I saw the letter she wrote to you. I know she trusted you to pick up where she left off, and I took advantage of that trust to bring you here. इसी ने हमें फंसाया है टेप्स ढूंढने के लिए। भाई इसको इसको मरना ही चाहिए था, फर्स्ट एंडिंग बेटर थी। बेटा अभी पता नहीं है इसको क्या हो रखा है इसके साथ पहले। Needs to be brought down. I won't be their pawn anymore. I will do whatever I can. ओह शिट, वो आ गया क्रीचर। अब रेड बटन तो अभी भी दबा है। ये बचेगी या मरेगी फिर से? ये टेप्स लेके बोल रही है भागने के लिए। अबे तू भी चलना, इतना टाइम है। अबे खड़े खड़े गिर गई, बड़ी पागल है। अबे राइट बिहाइंड यू की चाची, क्यों हीरो बनना है इसको लास्ट मोमेंट पे? अब ये मरेगी, फिर से मरेगी 100%। इसको शौक ही ऐसे है। ओ ओ या, क्यों बनना था हीरो? मार डाला भाई बेचारी को। ओ ये कौन है भाई? इसी के साथ साथ इतना बड़ा पार्ट टू और सीक्रेट एंडिंग्स यहीं पे खत्म होती है। और लास्ट में जो सीन कट हुआ था, मुझे लग रहा है वो वूली से रिलेटेड था, कि वूली ही तो कहीं मॉन्स्टर नहीं है या उससे रिलेटेड है भाई। बट मजा बहुत आया, तुम लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।